गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता पटेल, असम एक विद्यालय किला पार्टी, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6, सुबह। तो बच्चों चैप्टर का नाम है सुबह, यानी कि सवेरा। तो ये एक प्रसंग कथा है, प्रसंग कथा। तो बच्चों हम ये प्रसंग कथा देखते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। कौन सी बीमारी से? पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो बच्चों हम ये प्रसंग कथा देखते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के बाहर लोग सफाई में व्यस्त हैं। तो सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के बाहर लोग सफाई में व्यस्त हैं। व्यस्त यानी कि काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। कोई सामान झाड़ रहा है, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। तो रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है। खास यानी कि विशेष बात है। माँ आज कोई खास बात है? रेशमा ने माँ से पूछा कि माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। यानी कि उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा और अधीरता से माँ से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। माँ ने कहा कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। त्योहार यानी कि पर्व उत्सव। भूल गई क्या? ऐसा माँ ने बोला। तो पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। तो अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा ने कहा कि ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। रेशमा ने कहा कि माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूं? माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूं? तो माँ ने बताओ माँ, ऐसा रेशमा ने माँ से पूछा। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ ने रेशमा से कहा कि अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। यहाँ पर देखो चित्र में रेशमा और उसकी माँ दिखाई दे रहे हैं। फिर बताऊंगी सुबह से काम सॉरी फिर बताऊंगी बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। यानी कि रुआ से यानी कि रोने जैसे स्वर में कहा। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा से कहा कि नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहली वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा अपने
कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से लेकर दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा जब कितने साल की? रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। कैसे हो गए? उसके दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी कि निर्जीव, जिसमें हरकत ना हो वैसा यानी कि बेजान। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। तो इलाज यानी कि उपचार और जान नहीं आई तो जान यानी कि प्राण, चेतना और दूसरा शब्द है उसका अर्थ हरकत। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा को क्या हो गया था? तो पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी, हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा कैसी लड़की थी? तो वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं कर सकती है। रेशमा होशियार थी, इसलिए वह पहले पहले दूसरों की मदद ली। बाद में 11 साल की उम्र में वह अपनी सारे काम स्वयं यानी कि खुद ही करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो परिवार यानी कि फैमिली, परिवार यानी कि क्या? तो फैमिली और कुटुंब। वह अपने कुटुंब पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर नहीं रहना यानी कि भरोसा और आधार नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। रेशमा को पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। वह सबकी आंखों का तारा थी। आंखों का तारा होना यानी कि क्या? तो बहुत प्यारा होना। तो वो रेशमा सबकी बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने रेशमा को आवाज दी कि रेशु तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ। हाँ माँ, रेशमा ने कहा कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। रेशमा ने कहा कि दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। तो मेवा यानी कि सूखा फल, बादाम, काजू, किशमिश आदि। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा हाथ धोकर अभी आती हूँ ऐसा माँ को बोला और रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। रेशमा डिब्बे को पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। तो व्यवस्थित यानी कि ढंग से या तरीके से। रसोई घर फिर से चमकाने लगा। रसोई घर कैसा होने लगा? तो फिर से चमचमाने लगा। चमचमाना यानी कि चमकाना। तो रसोई घर फिर से चमकाने लगा। पिताजी दफ्तर दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए यानी कि दफ्तर यानी कि ऑफिस, कार्यालय। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। माँ को क्या चाहिए था? तो लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। गोलू बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। दादाजी और दादी जी
बहुत बुजुर्ग है, बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े। अब सामान लाए कौन, अब सामान कौन लाए, माँ परेशान थी, माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी, रेशमा ने कहा कि सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, रेशमा ने कहा कि माँ बस आप मुझे एक सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली, माँ ने पूछा रेशमा से कि तुम ले आओगी अकेली, तो माँ ने पूछा हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा ने कहा कि हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, रेशमा की आवाज में क्या था, तो दृढ़ता यानी कि मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, माँ ने कहा कि तो ठीक है तुम ही हो ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। तो सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा, नुक्कड़ यानी कि नाका गली का चोर। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी, थोड़ी देर में रेशमा सारा सामान लेकर आ गई। उसने रेशमा ने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। उसने गोलू से कहा कि तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पकड़कर खुशी से उछलने लगा, गोलू टॉफी पकड़कर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीत गए थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दिए के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एक दिन क्या हुआ, तो रेशमा का घर दिए के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, यानी कि चमकने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। क्या हो रहा था, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन और क्या आसमान ऐसा दिखाई दे रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाला के जीत का त्योहार है। दादी जी ने रेशमा को बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य की सदा जीत होती है। बुराई यानी कि खराब, और बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, तो दीपावली। तो उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। तो कुछ देर के बाद सब लोग परिवार के लोगों ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। रेशमा क्या कर रही थी, तो दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया, तो उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। तो रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो
रेशमा ने चिल्लाकर बोला कि गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखा है, तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखते हैं, बाकी का लेसन हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।